हेलो एवरीवन, इस वीडियो से आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री होती क्या है और हिस्ट्री हम पढ़ते क्या। देखिए, आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, इसका नाम है आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट। पास्ट मतलब होता है ऐसे टाइम्स जो ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी ऐसे टाइम जो ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारे जैसे आज 2021 चल रहा है, अगर 2021 चल रहा है, इससे पीछे की मैं बात करूँ कौन सा ईयर था, तो आप बोलेंगे कि 2020 था, इससे भी पहले 2019, 2018, ऐसे ऐसे बैक अगर हम जाते जाएंगे तो बहुत सारे साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक है, तो जो टाइम्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको कोई भी मान लीजिए कि इवेंट हुआ, लाइक अगर मैं कहूँ कि कोरोना जो है 2020 में 2019 में आया, तो ये ऑलरेडी एक साल पहले आया है, तो ये एक इवेंट हुआ कोविड का आना। ठीक है, अब इस कोविड आया तो ये एक इवेंट हुआ, क्यों आया, कैसे कैसे क्या प्रोसेस था, उसके बारे में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे ही मान लीजिए आज से हमको जानना हो कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले क्या हुआ, या फिर जब अर्थ बनी तो 10000 साल पहले अर्थ पे क्या एग्जिस्ट करता था, क्या नहीं करता था, तो उन सारी इवेंट्स के बारे में जानना कहलाता है हिस्ट्री। समझ गए? अब हिस्ट्री हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसे हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जान पाएंगे अपने प्रेजेंट को। जैसे कि आज हम 2021 में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि आज से 70 साल पहले 72 साल पहले हम जो है ब्रिटिशर्स की क्या हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करते थे। तो आज हम फ्रीडम है, हमारे वहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि हम पास्ट में एक कॉलोनियल कंट्री रह चुके हैं, हम किसी दूसरे कंट्री के गुलाम रह चुके हैं, इसलिए। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि हम इन चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो प्रेजेंट का कंडीशन हमें पता चलता है, तो इसलिए हिस्ट्री भी जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है। समझ गए? अब आपका जो चैप्टर है, देखिए, कोई भी जैसे इवेंट हो रही है तो इवेंट के बारे में ही नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन उठता दिमाग में, व्हाट, क्या हुआ, देन वेयर, सेकेंड हो गया कि कहाँ हुआ, वेयर, अगर कोई इवेंट हुआ तो वो क्या था, कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ एंड कब हुआ। कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो अगर उसमें ये फोर वर्ड्स लगा के अगर हम क्वेश्चन करें तो उस इवेंट के बारे में ढेर सारी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं, उस इवेंट के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब चूँकि हमें ये हिस्ट्री पढ़ना है, तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी कल्चर, हमारी रिलीजियस हिस्ट्री, हमारी जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ, इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। तो क्लास सिक्स में देखिए, हमारी जो हिस्ट्री है ना, इसको तीन पोर्शन में बेसिकली बांट दिया गया। एक को बोलेंगे एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री, एंड थर्ड को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी के लिए समझिए कि जो फर्स्ट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होती है ना, तो हिस्ट्री को जानने के क्या तरीके हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, हमारे पास कुछ एविडेंस। अब ये एविडेंस रिटन भी हो सकते हैं और ये एविडेंस नॉन रिटन भी हो सकते हैं। तो जिस हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास नॉन रिटन एविडेंस, यानी एविडेंस के तौर पे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसे हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग एंशियंट हिस्ट्री। लाइक आज से मैं बोलूँ कि ऐसे लाखों साल पहले जब अर्थ बनी, अर्थ पे लाइफ आई, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाइफ स्टार्ट हुई, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मंकीज आए, मंकी से ह्यूमंस का इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, तो उस टाइम इंसान तो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो उनके बारे में हमें ऑलरेडी अभी तक पता, हम उनके बारे में लिखते हैं कि अच्छा उस टाइम के ह्यूमंस को हम हंटर एंड गैदरर्स बोलते, तो कैसे, उन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स लिख के गए नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, उनके द्वारा लेट्स से कि अगर उनकी उनके द्वारा कोई टूल्स इस्तेमाल किया गया, कोई पॉट्स इस्तेमाल किया गया, कोई वेपन्स इस्तेमाल किया गया, वो ज़मीन के अंदर ब्यूरिड था, उसको जो है हिस्टोरियंस ने, दो लोग होते हैं, एक बोलते हैं हिस्टोरियंस जो काम करते हैं हिस्ट्री लिखने की, एंड ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं कि
जमीन की खुदाई करके, उसकी डिगिंग करके क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी इलाके में गए, वहाँ पे खोजबीन हुई और पता चला कि ज़मीन के अंदर में कोई स्केल्टन सिस्टम मिल गया वहाँ पे। अब वो स्केल्टन सिस्टम वहाँ निकालेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, क्या क्रिया कंकाल तंत्र है, कितना पुराना है, किसकी हड्डी हो सकती है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं और पता है करके बताएंगे कि इतना साल पहले ये चीज़ें हुई थी। तो ये तरीका होता है। तो ऐसे ही तो ये अब हमने क्या किया, हमको एक एविडेंस मिला, उस एविडेंस के आधार पे हमने हिस्ट्री लिख दी। हमने नहीं लिखी, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिख दी। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने निष्कर्ष निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला, उसको हिस्टोरियंस क्या कर देते हैं, हिस्ट्री के फॉर्म में लिख देते हैं। तो वहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिला नहीं, हमने एविडेंस देखा और एविडेंस के आधार पे ऐसा एज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो इस टाइप की हिस्ट्री को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी जो क्लासिक्स की हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो पहले मैं चाहता हूँ कि अच्छा, जैसे अभी हम जो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं ना, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। आज से लाखों साल पहले, सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स को पहले क्या होता था कि जितने भी इंसान थे ना, वो एग्रीकल्चर करना भी नहीं जानते थे, एग्रीकल्चर करना भी नहीं जानते थे। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। क्या बोलते थे? हंटर्स एंड गैदरर्स, उनको बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। गैदरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करते थे ये लोग? जैसे जंगल में गए, उनको कोई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कुछ प्लांट्स के लीव्स हो गए, उनको क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, वही खाना खाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, जानवरों की हंटिंग करते थे। हंटिंग इन सेंस की जानवरों को दौड़ा दौड़ा के उनको मारा। तो ऐसे लोगों को बोलते थे क्या हम लोग, हंटर्स, यानी जो जानवरों की किलिंग करके उनको खा जाते थे, कच्चा ही खाते थे, पकाते गाते नहीं थे। एंड देन कुछ लोग ऐसे थे जो जंगल में गए और वहाँ से कुछ फूड को कलेक्ट किया, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलते थे गैदरर्स। यानी जो इंसान उस टाइम में रहते थे, उनको बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। अब ये जो लोग थे ना, ये सबसे पहले रहते थे इंडिया में, अगर बात करें तो। ये कहाँ रहते थे? जैसे किसी को भी पीने के लिए पानी चाहिए ना, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। उस टाइम के लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, वो क्या करते थे, कहीं पे भी रिवर दिख गई, मान लीजिए यहाँ रिवर फ्लो कर रही है, उस रिवर के आसपास बस गए, वहीं रहना स्टार्ट करते थे। तो उससे क्या होता था कि रिवर से उनको पानी मिल जाता था, और रिवर्स के आसपास में माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स के आसपास में माउंटेन्स होते हैं, जहाँ माउंटेन्स होंगे तो गुफा भी होगी, तो उसी गुफा में ये लोग रह लेते थे। तो उसी गुफा पे रहते थे, तो गुफा के पास में छोटे छोटे पत्थर भी मिलेंगे ना, उस पत्थर को लेकर के उनके क्या कर लेते थे, उनको नुकीला करके हथियार बना लेते थे। तो पत्थर के ये लोग वेपन्स बनाते थे, पत्थर के ये लोग वेपन्स बना करके इसी से जानवरों को मारते थे। तो हंटिंग में स्टोन्स के वेपन इस्तेमाल कर लिए, और उसी पत्थर का इस्तेमाल करके ये जो है जंगल में जा कर के, अगर कुछ उनको डिगिंग करनी है, सपोज करिए जमीन खोद करके कुछ निकालना है, तो वो सारा भी काम कर लेते थे। तो ऐसे लोग जो है इंडिया में सबसे पहले कहाँ रहते थे, पीपुल लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर द सेवरल थाउजेंड ईयर्स। अभी नर्मदा रिवर कहाँ है, चलिए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, ये थे वो हंटर्स के तरह, ये इंसानों को देख रहे हैं ना, ये इंसान क्या कर रहे हैं कि उस टाइम के लोग इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, तो ऐसे एकदम नेकेड रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ये क्या करते थे कि जानवरों को मारे और उन्हीं के खाल को, उनकी स्किन को निकाल के अपने बॉडी पर डाल लेते थे। अब देखिए, जानवरों ने हथियार लिया ना, ये लकड़ी का डंडा है, सामने नुकीला किया और ऐसे लेट जाते थे। लेट जा करके जानवरों को निशाना बनाएंगे कि जानवरों को पता ना चले कि यहाँ पे इंसान है, और उसको मारते थे। देख रहे ना कैसे तीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाला लेके, और ये सींग लगा के इसलिए रखा है क्योंकि ये जो भी एनिमल्स हैं उनको शक ना हो कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी क्या कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे। ये उनके